Morning, the students of class 8, myself Adi sir. Today we have to discuss the second chapter of microorganism, friend or foe. नाम से ही पता चल रहा है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या. माइक्रो मीन्स एकदम छोटा, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. इस तरह का ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. अब टॉपिक के साथ और भी है, फ्रेंड और फो, मतलब ये दोस्त है या दुश्मन है, ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में अब देखो क्या है. अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व इजिली विथ आवर नेकेड आइज. हमारा जो आँख है, आँख से हम लोग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, समझ सकते हो छोटा हो या बड़ा हो. There are also a number of living organism that cannot be seen with naked eyes. ऐसा भी कुछ organism है दुनिया में जिसे हम लोग अपने खाली आँख से देख नहीं सकते. They can be seen only when they are magnified. Magnified करना मतलब उसको बड़ा करना. अगर वो किसी हिसाब से किसी भी रूप से वो बड़ा हो जाए तो अभी हम उसको देख पाएंगे. वो इतना छोटा है, इतना टाइनी ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है. द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम. साइंस से ही साइंटिस्ट ने इस तरह का छोटा छोटा जो नेकेड आई से पकड़ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया. माइक्रोस्कोप से उसे देखने लगे, दिखाई दिया. तो माइक्रोस्कोप ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. जो छोटा से छोटा भी ऑर्गेनिज्म है, टाइनी ऑर्गेनिज्म है, वो मैग्नीफाई हिसाब से देखा जाता है, मतलब बड़े आकार में देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से. सच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. एक ही नाम है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बोलो या माइक्रोब्स बोलो, दोनों एक ही बात है. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज एंड कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देख नहीं सकते. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है. इट इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी होता है उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे. अब हम नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कितने तरह का, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. यहाँ पर पांच की डिस्कशन है. तो हम लोग पांच के बारे में, एक तो हो गया बैक्टीरिया, सेकंड हो गया फंगाई, थर्ड हो गया प्रोटोजोअन, फोर्थ हो गया अल्गी और फिफ्थ हो गया वायरस. एक बार फिर से रिपीट कर दूँ. फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड फंगाई, थर्ड प्रोटोजोअन, फोर्थ अल्गी एंड फिफ्थ वायरस. वायरस के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा है, वो डिस्कस है, ज़रूरी है. लेकिन वायरस जो है वो बेटा ड्यूअल कैरेक्टर है, मतलब लिविंग के अंदर भी रह सकता है, नॉन लिविंग के अंदर भी रह सकता है. जब लिविंग के अंदर रहेंगे वो लिविंग जैसे रहेंगे, जब नॉन लिविंग के अंदर रहेंगे वो नॉन लिविंग जैसे ही पड़े रहेंगे. तो ये वायरस जो है काफ़ी सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सबसे छोटा जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ही माइक्रो वायरस को ही माना गया. तो क्या बोल रहा बुक्स में देखते हैं. वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. बिल्कुल अलग है, कुछ बिल्कुल अलग है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सीधा अगर बोलूँ तो दे कैनॉट बी ग्रुप अलॉन्ग विथ अ लिविंग थिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका कैरेक्टर अलग है, अलग होने के कारण ये कोई ग्रुप के अंदर इसको हम लोग रख नहीं सकते, मैच नहीं करेगा लिविंग ग्रुप के अंदर. या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग चार पढ़ लिए, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, अल्गी, इसके साथ इसका करेक्टर मैच नहीं करता, तो इसलिए इसको अलग ग्रुप में रखा जाता. दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग. हम पहले ही बोले लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही ये रह सकते हैं. तो ये इसका बॉर्डर लाइन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो वायरस का ही है. तो वायरस लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर इसका सर्वे होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग जब फीचर्स में रहेगा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म और लिविंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तब ही इसका रिप्रोडक्शन संभव है, नॉन लिविंग के अंदर जब ये रहेंगे इसका कोई रिप्रोडक्शन संभव नहीं हो सकता। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर हो सकता है, जो कॉन्सिस्ट ओनली वन सेल से बना, ये भी हो सकता है लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में देखूँ तो क्या है, प्लांट में एक तो हो गया एल्गी, सेकेंड हो गया फंगी जो ईस्ट के हिसाब से आता है, थर्ड हो गया बैक्टीरिया। एनिमल में अगर देखो यूनिसेलुलर को मतलब सिंगल सेल का, वो प्रोटोजोआन मतलब वो एमोइबा हो गया, यूक्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एल्गी का नाम आएगा फिर से, वोल्वोक्स आएगा, स्पायरोगोइरा, नोस्टोक ये एग्जांपल हो गया मल्टी सेलुलर का। सेकंड आएगा फंगाई, इसके जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, एस्पर्गिल्स हो गया, पेनिसिलियम नोटेटम हो गया, ये हो गया मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दो तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एक हो गया यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, और एक हो गया मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल वाले। तो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो पार्ट के हो गए। आप जो नीचे एक टेबल है देखना बुक्स में, टेबल 2.1 में, इसमें साइंटिस्ट का नाम है और कंट्रीब्यूशन, कौन सा साइंटिस्ट किस तरह का इन्वेंट किया, किस तरह फील्ड में वर्क किए। पहले रॉबर्ट हुक का नाम आ रहे, 1965 ईयर है उनकी, जिस ईयर में डिस्कवर किए थे, क्या किया था, ऑब्जर्व कॉर्क सेल बैक्टीरिया यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप, अपने खुद जो माइक्रोस्कोप था वो तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसके भरोसे उसके द्वारा उसने इस तरह का क्वार्क सेल का डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। सेकेंड है एंटोनियो लिवहॉक, इसने 1676 की बात है, फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच द माइक्रोब्स का एक आंकड़ा इसने दिया था, इस तरह का डिज़ाइन हो सकता है। लुई पास्तुर 1857 से लेके 1859 तक, लुईस पास्तुर जो थे वो 1857 से लेके 1859 तक काम किया उसने, इसका डिस्कवर किया था, डिस्कवर दैट फर्मेंटेशन इज कॉज बाय ईस्ट, जो फंगाई है एक तरह का वो उसमें फर्मेंटेशन में हिस्सा लेते हैं। डिस्प्रूव द थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के इसने नेग्लेक्ट कर दिया था। फिर आता है रॉबर्ट कॉच की नाम, 1882 में इसे डिस्कवर क्या किया, गेव द ग्राम जम थियोरी ऑफ डिजीज, ट्यूबरकुलेसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस इसने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया एंड एंथ्रेक्स बाय बैसिलस एंथ्रेक्स को भी इसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में इसका डिस्कवर किया था, डेवलप जम ग्राम स्टेन टेक्निक, इसने एक टेक्निक ब्लू और ग्रीन दो तरह का बैक्टीरिया का इसने डिटेक्शन करने का सिस्टम बनाए थे। फिर आ गया नेक्स्ट इसका सेबेस्टियो किटाशो, तो इसने 1889 में टिटनस का बहुत बड़ा डिस्कवर था इनका, टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम टिटेनी बैक्टीरिया, इसको इसने खोज की थी। फिर नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929, इसका डिस्कवर था, डेवलप एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है इससे इसने एंटीबायोटिक का मेडिसिन जो वैक्सीन निकाले थे पेनिसिलियम नाम से। ये था तो साइंटिस्ट का डिस्कवर विद ईयर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकते, क्या है। बुक्स में देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है सच एज एल्गी एंड फंगाई हो सकता है, तो दोनों तरह का ही दिख रहा है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरनमेंट है दुनिया में वो सब के अंदर आराम से रह सकते, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट जो एकदम बर्फ है, अंटार्कटिका मानो बर्फ है,
क्लाइमेट, वहाँ पर भी आराम से रह सकते हैं। टू हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी का स्रोत चलता है, वहाँ पर भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट, डेजर्ट टू हर्स मार्सी लैंड, तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में भी रह सकते हैं। मार्सी लैंड, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मार्सी लैंड होगा, दलदल जिसको बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल सुंदरबन में मिलते हैं, दलदल, वहाँ पर भी आराम से रह सकते हैं। डेजर्ट में रह सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट जो एंटार्क्टिका, वहाँ पर रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का स्रोत है, उसमें भी आराम से रह सकते। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल का बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, रहते। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते, कुछ फ्री स्टेट पे रहते। दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी, समुंदर का नीचे भी इसे पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा हुआ गला हुआ चीज के ऊपर जो सर के, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल्स टू द सॉयल आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिकम्पोजिंग देम, तो डिकम्पोज जो हो जाता है, डिकम्पोज के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है, उसमें भी ये सपोर्ट करता है। फिर वो जो मिनरल्स का रिलीज होता है जमीन के नीचे से सॉइल्स में, इसका मिनरल्स में भी रिलीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा, जो सिंगल सेल का है, कैन लिव अलोन व्हाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई मे लिव इन कॉलोनी, मतलब ये जो है अमोइबा, ये सिंगल सेल के हैं, वो अलग अकेले रहते हैं। फिर अदर जो है बैक्टीरिया है, फंगस है, फंगाई है, दे एक साथ कॉलोनी मतलब इकट्ठा एक साथ रहते। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन पैरासाइट एज पैरासाइट आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, तो पैरासाइट तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिए थे, सेवन भी पढ़े, पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, होस्ट से ही अपना न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करते, उसको पैरासाइट बोलते। तो ऐसे ही है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट के रूप में बॉडी के इनसाइड में और आउटसाइड में भी रह सकते हैं। द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग आर इनहेबिटेड बाई ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, इंसान के नोज में, थ्रोट में, माउथ में, इंटेस्टाइन जो है, आंत जो है, उसके अंदर रह सकते हैं, एनिमल का ह्यूमन के अंदर रह सकते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग आर इनहेबिटेड, जिसके ह्यूमन के अंदर भी ये रह सकते हैं, करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं इसके अंदर। तो आज यहाँ तक ही, थैंक यू।